हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन करी। एक बार आप इसे बना के जरूर खाइए। एक बार इसे आप बना के खाएंगे तो आप फिर करी भूल जाएंगे खाना। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे बनता है। बैंगन करी बनाने के लिए हमने एक बैंगन लिया है, जिसको हम स्लाइसेस में कट करेंगे। कुछ इस प्रकार कट कर लेंगे, ना ही ज़्यादा हमें इसे पतला कट करना है, ना ही ज़्यादा इसे मोटा कट करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम बेसन लेंगे, कम से कम 50 ग्राम ये बेसन है हमारा। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारी इसमें गुलटियाँ नहीं बननी चाहिए। हमारा बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का सा पतला ही रहेगा। जो हमने बैंगन कट करके रखा है, उसको हम डिप कर देंगे इसी में। ये हमने अच्छे से बेसन में इसको लपेट दिया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने टोमेटो लिए, इसे हमने बारीक सा कट कर लिया है। 2 हमने प्याज लिया, इसे भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा हमने लहसुन की कलियाँ लिया है और 1 हमने चिली लिया है। इन सबको हम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। करी के लिए खास मसाला तैयार करेंगे। हमने 1 चम्मच इसके लिए चना दाल लिया है, 1 हमने रेड चिली लिया है, थोड़ा सा हमने 2 कलियाँ लौंग की लिया है, 8 से 10 हमारे काली मिर्च हैं, ये हमारा चक्की वाला फूल है उसकी हमने 2 पंखुड़ियाँ निकाल ली है, थोड़ा सा हमने जीरा लिया है, छोटा सा हमने दालचीनी का लिया है, ये हमारी ग्रीन इलायची है उसका हमारे बीज निकाल दिया है, उसका छिक्का हम यूज करेंगे खाली, और थोड़ा सा हमने ये कोकोनट लिया है। इन सबको हल्का सा ऑयल में हम रोस्ट करके इनका पेस्ट बनाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, बस 2 चम्मच। अपना प्याज ऐड कर देंगे, यहाँ पे लहसुन और चिली को भी ऐड कर देंगे, इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अपने टमाटो भी इतने ऐड कर देंगे, टमाटो को गलाने तक हम इसे रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे, साल्ट ऐड करने से हमारे टमाटो जल्दी से गल जाएंगे। 3 से 4 मिनट के इसे ढक के पकाएंगे। लगभग 5 मिनट हो गया है, टमाटो भी हमारे गल गए हैं अच्छे से। इसको ठंडा करके हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। एक तवा लेंगे, इसको अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जो हमने बैंगन रेस्ट करने के लिए रखा था, उनको हम बारी बारी से अच्छे से इसी पे हम पकाएंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट तेल में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या रहेगा, बैंगन हमारे बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए आप भी तवा में ही इन्हें रोस्ट करें, उससे हमारा खाने का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आएगा। गैस का फ्लेम हमारा स्लो ही रहेगा। एक साइड अच्छे से पकने के बाद हम इन्हें पलटेंगे, एक एक करके हमें आसानी से पलट लेंगे दूसरी साइड भी। ये हमारे बैंगन अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम तवा पे ही रखा रहने देंगे और हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, अपनी हम चना दाल इसमें ऐड कर देंगे। ये चना हमारा रोस्ट हो गया है, बाकी हम सब अपना गर्म मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छे से भून लेंगे बस 1 मिनट के लिए, ठंडा करके इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। सेम कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा है उसको ऐड कर लेंगे। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है जब तक हमारा इसमें से तेल अलग ना होने लगे। मसाला आपका नीचे लगने लगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें पानी हम ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा मसाला नीचे लगे ना। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक हमने पहले भी यूज किया है, सिर्फ नमक को हिसाब से यूज करेंगे। जो मसाला ने पीस के रखा है उसको ऐड कर लेंगे। ये हमारा स्पेशल मसाला है, आप भी यही मसाला यूज करें। अपने स्पेशल मसाला को ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लगभग हमारा हो गया है, मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है। 1/4 हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ये तीखी बिल्कुल नहीं है,
हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी अपने ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अपनी ग्रेवी के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है। हम अपने इसमें बैंगन ऐड करेंगे जो अच्छे से ग्रिल करके रखा है, तो अच्छे से ग्रेवी के साथ में मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। 4 से 5 मिनट हमारा हो गया है, सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप भी कृपया एक बार इसे बनाएं, खाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे आप तक की नई रेसिपी पहुंचती रहे। थैंक यू।